हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉगिंग चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आप लोग के लिए छोटी छोटी गुड न्यूज़ है एंड आई नो मेरे लिए बड़ी वाली है बट आप लोग के लिए थोड़ी छोटी होगी। सो मेरे इंस्टा पे 1000 फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं, 1 मिलियन नहीं 1000। सो 1000 मेरे फॉलोअर कम्प्लीट हुए आज एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज ये पहली मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है कि 1000 मेरे फॉलोअर कंप्लीट हुए हैं। एंड दूसरी बात ये कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, वो बात अलग है। सो अभी मैं और कुछ बताने वाली हूँ कि तो ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे ख्याल से आप लोग के लिए भी। और एक और बैड न्यूज़ है, थोड़ी सी छोटी सी बैड न्यूज़ है। मैंने सोचा पहले आप लोग गुड न्यूज़ दूँ बट बैड न्यूज़ उतनी बुरी नहीं है बट मेरे लिए थोड़ी सी बुरी है। सो आज मेरी दीदी के ससुराल में उनके कुछ पूजा थी और फंक्शन थे थोड़े, तो वो चली गई थी एंड वो अभी तक आई नहीं है। मैं आ चुकी हूँ पूजा वूजा जो भी कर वहाँ से और घर पे आ गई हूँ मैं, बट वो कल आने वाली है। सो आज मुझे ही टर्न है, मेरा जो बोलते हैं ना दीदी जो काम करती थी वो मैं आज करने वाली हूँ। एंड मम्मी ने बहुत दिन भर से जितने भी बहुत सारे काम किए अकेले, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ मम्मी की। तो रोटियाँ आज मैं बनाने वाली हूँ और ये थोड़ा फनी होगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोग भारत का नक्शा या किसी देश का नक्शा नहीं देखते हो ना तो मेरी रोटियों में आप लोग को देखने को मिल जाएगा वो। सो थोड़ी अजीब बात है बट मैं ट्राई करूँगी कि अच्छा ही मैं बनाऊँ बिकॉज आप लोग के सामने बनाना है ना, थोड़ा अच्छा ही बनाने की ट्राई करूँगी और देखते हैं कि आगे क्या बनता है कैसा बनता है। सो अभी मैं छत पर आई थी और थोड़ी सी शाम हो गई, अभी थोड़ा थोड़ा धूप है और मैंने अभी सूर्य भगवान को प्रणाम किया क्योंकि वो अस्त हो रहे हैं। एंड मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ये गुड न्यूज़ भी बता दूं और थोड़ी सी छोटी वाली बैड न्यूज़ भी बता दूं। एंड अभी मैंने सारे कपड़े आधे घंटे पहले डाले थे एंड छत पर आई थी, थोड़ा टहला मैंने और अभी मैं जाऊँगी नीचे बिकॉज अभी हमारा अभी तो खाना बनाने का रेडी नहीं होगा बट मैं थोड़ी बहुत जो भी है मेरा कर लूँ, समाप्त कर लूँ वो पढ़ाई लिखाई बिकॉज अभी तो मेरे को रात में टाइम नहीं मिलने वाला। सो आप लोग को लेकर चलती हूँ नीचे बिकॉज मैं थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लूँगी फिर आप लोग को नीचे लेकर चलते हो। ओके सो बने रहना मेरे साथ और आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन जरूर लिखना और मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टा पे एंड यहाँ भी सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। सो बने रहो मेरे साथ एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कपड़े अभी डाल दिए और थोड़ी सी मम्मी की हेल्प आज करनी सोची है, तो आप लोग लाइक कर देना है ना, मम्मी की हेल्प करनी है लाइक करना आप लोग। सो दिखाती हूँ आप लोग को कपड़े मैंने डाले हैं जो भी, तो यहाँ पर मैंने इतने सारे कपड़े आज डाल दिए और थोड़ा टाइम लगेगा तो हम लोग आपको नीचे लेकर मिलते हैं। ओके नीचे जाने की तैयारी कर रही थी और मम्मी यहाँ पर चाय और बोलते चिप्स लेकर आई है, तो आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग साथ शेयर करके खाती हूँ मैं रहे वो चिप्स और यहाँ पे रही हमारी चाय। तो शाम हमारी बहुत अच्छी जाती है पता नहीं क्यों, खा लेना। ओके सो आप लोग को नीचे चल के मैं मिलूँगी, तब तक मैं खा लूँ। नीचे मैं आ गई हूँ एंड अभी मेरे मीशो से 2 पार्सल आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज मैं आप लोग को भी दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या मंगाया मीशो से। और वो दोनों गले का ये कुछ, तो आप लोग जानते हो गले में क्या पहन जाता है, तो मुझे बहुत क्यूट लगा एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है एंड दोनों पार्सल आज ही आया तो मैं बहुत ज़्यादा डबल एक्साइटमेंट है, लेट्स गो आप लोग को दिखाती हूँ। ओके सो यहाँ पर है मेरे दोनों पार्सल एंड मैंने इसको अभी खोला है सो कि आप लोग को दिखाने में थोड़ी आसानी हो, तो मैं इसको निकालती हूँ एंड पहले छोटा वाला। ओके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोग को और गेस बताती हूँ, ये मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये 1000 के बाद ही मिल रहा था बट मीशो पर मुझे बहुत सस्ता मिला तो मैं इसको मंगा लिया, आप लोग को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया और आप लोग देखो, अरे यार अच्छे से, तो आप लोग देखो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था एंड मुझे काफ़ी क्यूट लगा सो मैंने इसको ले लिया और ये आप इसको 2 वे में पहन सकते हो आप लोग देखो। तो ये मुझे ना बहुत पसंद आया था और मैं इसको क्या ही बताऊँ, तो ये आप इसको 2 वे में पहन सकते हो। सो आप लोग को ये कैसा लगा मुझे बताना एंड आप लोग भी इसको ले सकते हो क्योंकि मैं इसका प्राइस यहाँ पे टैग कर दूँगी, इसका पिक्चर लगा दूँगी और बहुत ही सस्ता मिल गया यार, 200 के करीब में मिला है मुझे, तो आप लोग ले सकते हो बहुत ही अच्छा आया है। एंड नेक्स्ट ये है जो कि एक नेकलेस है और ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे एंड ये रहा इसका बॉक्स। सो बहुत अच्छी पैकेजिंग में देते हैं मिस वाले, तो मुझे काफ़ी पसंद है एंड यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पे इसको गिरा फिरा दिया। सो यहाँ पर रहा ये वाला हार,
आप लोग बताओ कैसा है। एंड ये आप उसको सिल्क की साड़ी पे पहनोगे तो काफ़ी क्यूट लगेगा। और मैं इसको बस ऐसे अभी दिखा रही हूँ बिकॉज मैं इसको अनबॉक्स उस दिन ही करूँगी जब मैं सिल्क की साड़ी पर पहनूंगी। एंड ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये भी आया है, तो आप लोग दोनों खरीद सकते हो। मैं इसका भी प्राइस यहाँ पर टैग कर दूँगी बिकॉज मुझे याद नहीं है कितने का मंगाया है। एंड शायद 300 करीब है, तो मैं इसको भी टैग कर दूँगी, आप लोग ले सकते हो, बहुत ही क्यूट है एंड मस्त है। सो आप लोग ले लेना। ओके, तो मैं इसको रख दूँ अच्छे से और आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, मम्मी यहाँ पर गाना गा रही हूँ, इंजॉय कर रही है। एंड मैंने भी मम्मी की थोड़ी हेल्प करने की ठान ली है। एंड यहाँ पर मैं आटा जो भी है उसको चाल रही हूँ, उसके बाद इसको छानना है। चाल लेती हूँ इसको कम्प्लीटली। तुमसे आप लोग मम्मी का भजन सुनो, बताना कैसा लगा। हाय गाइज, ये मेरी बेबी पहली बार खाना बनाने के लिए किचन में आई है। नहीं, पहली बार नहीं, मैं बनाती हूँ रोटी, ऐसी बात नहीं। नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही है। भारत का नक्शा बनाती हूँ मैं। हाँ। और इस बार भी आप लोग को वही देखने को शायद मिले, या नहीं आप दुआ कीजिए कि इसको आ जाए रोटी बनाने, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ये जाने वाली है बहुत दूर पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर हॉस्टल में कैसे रहेगी, तो वहाँ पे रोटी बनाना पड़ेगा। आप लोग दुआ करो कि मुझे जाना ही ना पड़े, मैं यहीं पर सब कुछ कर लूँ, मम्मी से दूर ना जाना पड़े। मम्मी कहाँ दूर रहेगी, तुम सो भेजने के लिए रेडी रहती कि हाँ आपको यहाँ जाना है पढ़ने, वहाँ पर जाना है, नहीं भेजना चाहिए। समझाओ आप लोग इन्हें, थोड़ा कमेंट में बताना आप लोगों की। सो मैं इसको रेडी कर लूँ। मेरा आटा जो है मैंने चाल लिया, रेडी कर लिया, एंड इसको थोड़ा सानेंगे, और तब तक आप लोग को अपनी सब्जी के दर्शन करा देती हूँ। सो यहाँ पर ये लौकी की सब्जी रेडी हो रही है। एंड मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को लौकी पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है, और मुझे मेरी सारी फैमिली को पसंद है लौकी की सब्जी। और ये बन रही है, अभी रेडी हो रहा है, मैं यहाँ पर आटा सान लूँ जो भी है। और आप लोग ज़रूर बताओ आप लोग को लौकी की सब्जी पसंद है या नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खाती भी हूँ लौकी की सब्जी। और कितने लोग, सारे लोग को पसंद नहीं होती है, बट मुझे अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली को अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर बताना। लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सो हमारा आटा गूंथ गया है, एंड इसको थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं और सर के हाथ धो लें। सो आटे का दर्शन मैं आप लोगों को करा दूँ और दिखाती हूँ। गूंथ गया मेरा आटा, एंड ये जो उंगलियों के निशान दिख रहे हैं ना, वो मैंने प्रणाम किया ना, इसलिए साइड सब्जी बन रही। देखो थोड़े देर में रहने में कितना पसीना वसीना हो गया सब, तो जब तक ये सब्जी बन रही है तो इसको हम थोड़ा चलावा ला देते हैं और थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ी हवा खा ले। और बन रही है सब्जी हमारी, कुछ देर में रोटी भी रेडी हो जाएगी। और दूध एक तरफ गर्म हो रहा है, सुकून मिलता है यार। कोई कैसे मम्मियाँ किचन में दिन भर रहती है, मैं तो यही सोच रही हूँ। एक दिन में एक ही टाइम है मेरा जो आया है ना, हालत ख़राब हो गया अभी तो। और बताइए आप लोग, ज़रूर बताना कैसा आप लोग को लग रही है ब्लॉग, आगे बने रहना, अभी तो असली मज़ा बाकी है ना। सो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। और आप लोग एक और चीज़ दिखा देती हूँ जो मैंने अभी कलाकारी की है अपने पैरों पर। बस ये मेहंदी लगा ली और ये सूख भी है, सूख भी गया है, तो इसको भी रिमूव करना होगा मुझे। पटरपटा ऐसे करती रहती हूँ तो ज़्यादा आप लोग ध्यान मत देना, बट मैं दिखा देती हूँ सब कुछ। ओके, आप लोग को जो भी मैं करती हूँ वो सब बता देती हूँ। और अभी थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, फिर उसके बाद रोटियाँ बनानी है मुझे, तो मम्मी हेल्प करेंगी बिकॉज़ मैं नहीं बनाती हूँ डेली, तो आदत नहीं है मुझे। सो मम्मी हेल्प करेंगी उसमें भी, डन हो जाए। आप लोग प्रे करना भगवान से थोड़ी गोल गोल रोटियाँ बने, वरना नक्शा मैं बना दूँगी ना तो देख कर ही हंसी आती, खाने में तो पता नहीं कैसा लगेगा। सो देखते रहो। बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, एंड यहाँ पे मैं लोइया बना रही हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आप लोग को अपनी रोटी कैसे बनती है। और यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो रहा है ऊपर। सो फर्स्ट रोटी तो थोड़ी बहुत अच्छी बन गई, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी फर्स्ट रोटी। थोड़ी अच्छी बन गई यार, पता नहीं, बट ये भी देखो
आप लोग देख सकते हो कैसा बना है। चलता है अपना। सो ये मेरी फर्स्ट रोटी, आप लोग बताना कैसी बनी है, दिखाती हूँ। और भेज जाएगा तौर पर तो मैं दूसरी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। क्या करूँ, बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा। और मेरे को फॉलो करते रहो यार, इंस्टा पे मैंने आईडी दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।